आने से होने वाले प्रदूषण को लेकर सपा के सांसद सुखराम सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है। सुखराम सिंह ने कहा है कि किसान बेकसूर है, किसानों पर कार्रवाई गलत है, किसान FIR आखिर क्यों लिखवाए, किसान की पराली को अगर सरकार खरीद लेगी तो किसान आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगा। सुखराम सिंह यादव से बात की हमारे संवाददाता अमित दुबे ने, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। हर साल सर्दियों की दस्तक देश में और इससे पहले प्रदूषण की महामारी, लगातार सरकारों के तमाम दावे, तमाम वादे, लेकिन सब व्यर्थ नजर आ रहे हैं। सपा सांसद सुखराम सिंह यादव हमारे साथ है। सर, प्रदूषण की बात करें, नोएडा की बात करें 600 तक AQI, दिल्ली की बात करें 500 के ऊपर, अन्य जगहों की बात करें हर जगह प्रदूषण, कोई रिजल्ट नहीं निकला, जबकि हर बार कमेटी गठित होती है, सुप्रीम कोर्ट, NGT, हर कोई संज्ञान ले चुका है। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में सबसे अधिक प्रदूषण दिल्ली में है और कानपुर में है। कानपुर में रहता हूँ, दिल्ली राजनीति करता हूँ, और ये स्थिति ये सरकारें क्यों लाने देती हैं? सरकार पहले शुरुआत से व्यवस्था कोई नहीं करती थी, अचानक जब प्रदूषण बढ़ जाता है तब चिंता होती है। प्रदूषण के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जागरूक करना होगा, आम जनता को जागरूक करना होगा, और सबसे बड़ी बात किसान को जागरूक करना होगा। जब तक हम किसान को जागरूक नहीं कर पाएंगे, हम समस्या समाधान नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर, जिस तरह किसानों पे कार्रवाई हो रही है, पराली को लेकर तमाम लोगों किस तरह से हिरासत में लिया जा रहा, जुर्माना लगाया जा रहा, लेकिन किसान कह रहे उनके पास कोई विकल्प नहीं है, और ऐसे कोरोना काल में वैसे भी अनाज के दाम जिस तरह से हैं हर कोई जानता है। मैं आज ही पेट्रोलियम कमेटी की बैठक से आ रहा हूँ, मैंने उस मामले में ये प्रश्न उठाया, इस पराली का उपयोग बायो नेचुरल गैस के लिए कुछ किया जाए, ताकि इसका उपयोग भी हो जाए और किसान को पैसा भी मिल जाए, या किसान को उससे लाभ होगा तो उसको इकट्ठा करके उसको बेचने का काम करेगा, तो दोनों काम होंगे, उसको काटेगा भी, उसको इकट्ठा भी करेगा और उसको बेचेगा भी, और सरकार का फायदा ही होगा, प्रदूषण निपटने में सहायता उसको मिलेगी और किसान को लाभ होगा, उसको आर्थिक फायदा होगा। जब तक दोनों में सामंजस्य नहीं बैठा जाएगा कि समस्या नहीं बढ़ सकते। सर, आखिरी सवाल, हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, खास तौर पे सुहार विधानसभा, अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। देखिए, वो उनका अधिकार है, किसी व्यक्ति के लिए अधिकार था, उसका सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और उसको राहत दी, करना चाहिए था। तो ये थे सुखराम सिंह यादव, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि जब तक किसानों को समझाया नहीं जाएगा, सोल्यूशन नहीं निकाला जाएगा, तब तक प्रदूषण पर अंकुश लगाना मुश्किल है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, KNews दिल्ली।